दोस्तों, जो आजकल कार थीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, वो एडवांस्ड होते जा रहे हैं, नई नई टेक्निक्स यूज़ करने लगे हैं गाड़ियों को चुराने के लिए। दोस्तों, ये एक फुटेज है एक मर्सिडीज़ की चोरी की, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस अटैक यूज़ किया गया है इस मर्सिडीज़ को चुराने के लिए। आप देख सकते हो इन चोरों के हाथ में एक डिवाइस है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवाइस क्या है और इससे क्या होता है। ये बंदा गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली इस डिवाइस के थ्रू। ये सिर्फ गाड़ी को के हैंडल को पुल किए हुए हैं, ठीक है। गाड़ी अनलॉक हो जाती है दोस्तों, ये बंदा बैठ जाता है, ये इधर चला गया। अब ये रिटर्न में आएगा, वो वापस आएगा और गाड़ी को स्टार्ट भी करेगा इसी डिवाइस को यूज़ करके। दोस्तों, इस अटैक को समझने के लिए पहले हमें कुछ कंसेप्ट को समझना होगा। वैसे भी तुम्हें पता है हैक्स एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट के लिए ही बना हुआ है। तो एक बार हम इस फुटेज को देख लेते हैं अभी क्या होगा। ये बेसिकली गाड़ी हो जाएगी शुरू। दोस्तों, आपको इस टाइप की बहुत सारी फुटेजेस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ये कोई ज़्यादा पुराना अटैक नहीं है, ये हाल में ही शुरू हुआ था और एकदम से फॉरेन कंट्रीज़ में बढ़ गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे इस टाइप के लॉकिंग सिस्टम की, मतलब कि जब आप बटन को प्रेस करते हो तो गाड़ी लॉक होती है, बटन को प्रेस करते हो तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लें। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस टाइप के लॉकिंग सिस्टम की, जहाँ पर जैसे ही आपकी चाबी गाड़ी के पास आती है तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, दूर चली जाती है तो गाड़ी फिर से लॉक हो जाती है। स्मार्ट की सिस्टम, जो नए सिस्टम आजकल चल रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हो, आप हैंडल को पुल करते हो या सेंसर बटन को प्रेस करते हो, आपकी जेब में चाबी है, इन दोनों के बीच में, चाबी और गाड़ी के बीच में होता है चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम, जिससे ऑथेंटिकेट होता है कि असली चाबी है और गाड़ी अनलॉक होती है। तो चलो दोस्तों, अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको यूनिडायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन, ये इजी वाला जो भी मैं बता रहा हूँ, यही याद रखना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एक प्राइवेट की है, यहाँ पर भी एक प्राइवेट की है, दोनों प्राइवेट की सेम है, मतलब गाड़ी की और चाबी की दोनों की प्राइवेट की सेम है। मतलब कि किसी चीज़ को ये एनक्रिप्ट करेगी और उसी चीज़ को ये एनक्रिप्ट करेगी, तो दोनों का जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों कीज सेम है। सबसे पहले गाड़ी एक रैंडम नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 मान लो, कुछ भी मान लो, वो जनरेट करेगी और उसे चाबी को भेज देगी। अब दोस्तों, चाबी क्या करेगी, अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगी और इस नंबर को एनक्रिप्ट करेगी, ठीक है। कुछ आउटपुट आएगा, आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स कुछ भी कह लो, मान लो कि आउटपुट ये आया है, इस आउटपुट को वापस गाड़ी को भेज दिया जाएगा। अब गाड़ी जो रैंडम नंबर इसने जनरेट किया था उसको एनक्रिप्ट करेगी अपनी चाबी से, ठीक है, अपनी प्राइवेट चाबी से, और देखेगी कि जो आउटपुट आया है वो वही आउटपुट है ना जो चाबी ने भेजा है। अगर ऐसा होता है, दोनों आउटपुट मैच कर जाते हैं, तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। बेसिकली हुआ क्या, इससे गाड़ी को पता चल गया जो चाबी है उसके पास वही प्राइवेट की है जो मेरे पास है, मतलब कि ये जो चाबी है ये ओरिजिनल है। अब हम आते हैं दोस्तों बाय डायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन पे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, गाड़ी के पास दो अलग अलग प्राइवेट कीज हैं और चाबी के पास भी वही दो प्राइवेट कीज हैं। गाड़ी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगी और इसे अपनी की वन, कोई भी एक की मान लो, इसे की वन मान लो, उससे एनक्रिप्ट कर देगी, ठीक है, और कुछ आउटपुट भी आएगा फिर एनक्रिप्ट करेगी, तो इन दोनों को, चाबी को, की को फॉरवर्ड कर देगी। अब दोस्तों, जो की है वो ये चीज़ वेरीफाई करेगी, ये चीज़ गाड़ी ने ही भेजी है ना, मतलब ये दोनों गाड़ी से ही आए हैं ना, ये क्या करेगी वेरीफाई करने के लिए, बेसिकली ये इसको, ऊपर वाले को, अपनी की वन से एनक्रिप्ट करेगी और देखेगी जो आउटपुट आया वो यही आया है ना। अब दोस्तों, चाबी ने इस बात को वेरीफाई कर लिया है कि जो हमारे पास चैलेंज आया है वो गाड़ी से ही आया है। अब दोस्तों, चाबी है वो क्या करेगी, जो ये नीचे वाला था जो ऑलरेडी बेसिकली नॉन्स का की वन के साथ एनक्रिप्शन था, इसको की टू से एनक्रिप्ट करेगी, ठीक है, और अब जो आउटपुट आएगा, ठीक है, की टू से एनक्रिप्ट करने के बाद, इसे हम रिस्पॉन्स कह लो या आउटपुट कह लो, जो भी कह लो, इसको गाड़ी को भेज देगी। अब दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, जो गाड़ी है वो क्या करेगी, वो भी इसी को की टू से एनक्रिप्ट करेगी और देखेगी जो आउटपुट इसने भेजा और जो आउटपुट मैंने कैलकुलेट किया वो सेम है, यानी अगर सेम है दोस्तों तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अब मेन बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो अटैक हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन है या बाई डायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन है, वो दोनों पे ही वर्क करता है। दोस्तों, बाई डायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आगे आने वाली वीडियोज में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, हम इस अटैक को समझते हैं जो ये थीव्स कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जो थीफ वन है ये बेसिकली क्या करेगा, चैलेंज लेगा किसी तरह से, मतलब कि देखो, कुछ गाड़ियों में क्या होता है, तुम हैंडल को पुल करते हो तो ये चैलेंज देती है, कुछ में तुम सेंसर बटन को प्रेस करते हो तो ये चैलेंज देती है, अलग अलग सिस्टम होता है। बेसिकली मान लो ये हैंडल को पुल करता है, चैलेंज मिलता है,
इसकी जो डिवाइस है वो चैलेंज लेगी और सीधा इस दूसरी डिवाइस को भेज देगी। ये जो दूसरा वाला थीफ है दोस्तों, ये आपके घर के बिल्कुल पास खड़ा है दीवार के, ठीक है, ये उसी चैलेंज को आगे फॉरवर्ड कर देगा, की को चैलेंज मिलेगा। की का बेसिकली काम ही होता है, जैसे ही उसको चैलेंज मिलता है वो रिस्पॉन्स भेजती है, रिस्पॉन्स आएगा बैक डायरेक्शन में वापस आएगा, यहाँ पे गाड़ी के पास जाएगा, गाड़ी सोचेगी मैंने चैलेंज भेजा था, मेरे पास रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है, चाबी नहीं भेजा होगा, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखो 2010 में एक रिसर्च वर्क हुआ था, वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। देखो जो गाड़ी के जो सिग्नल्स हैं जो एमिट कर रही है, ठीक है, की को ढूंढने के लिए, उनकी रेंज बहुत कम है, इसलिए क्या होता है आपको चाबी को पास लाना पड़ता है गाड़ी के, ताकि वो उन सिग्नल्स की रेंज में आ जाए और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो चाबी है इसके जो सिग्नल्स हैं उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया, एक एम्पलीफायर यूज़ किया, ठीक है, इसके सिग्नल्स के लिए, और उसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दिया ताकि ये जो चाबी है काफ़ी दूर भी रखी है वहाँ तक इसको सिग्नल मिल जाए। जैसे ही दोस्तों इसको सिग्नल मिलेंगे ये रिस्पॉन्स भेजेगी फटाक से, दूर तक भी मतलब ये सिग्नल जाने वाला है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। दोस्तों ये दिखाया गया था एक्सपेरिमेंट में कि इवन 100 मीटर तक भी ये काम कर रहा था। तो देखा दोस्तों आपने कितना सिंपल था, कैसे एक सिंगल एम्पलीफिकेशन डिवाइस को यूज़ करके ये अटैक कंडक्ट किया जा सकता था, गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता था जबकि चाबी इतनी दूर थी। दोस्तों ये रिसर्च हो गया था 2010 में, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिसर्चर्स थे उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कंपनीज को कि रेंज पे किसी तरह कंट्रोल किया जाए, जो UHF सिग्नल रिटर्न में आ रहा था उसकी रेंज को लेकर। टाइम के साथ दोस्तों इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं रेंज को लेकर, लेकिन फिर भी जो चाबी की रेंज है गाड़ी की रेंज से अभी भी तुम्हें ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये चाबी दीवार से दूर रखोगी तो भी अटैक काम करेगा, और एग्जैक्ट कितनी रेंज तक काम करेगा वो गाड़ी से गाड़ी पे वेरी करता है। देखो दोस्तों रियल वर्ल्ड में ये अटैक कुछ इस टाइप से भी होता है, ये एक थीफ आपके पास खड़ा हो जाएगा और एक गाड़ी के पास खड़ा हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक यहाँ पे है ये थीफ, ये डिवाइस कैरी कर रहा है, एक गाड़ी के पास, ये गाड़ी को अनलॉक कर लेगा और स्टार्ट कर लेगा और चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं, ध्यान दे कहीं कोई आसपास आपके बैठ तो नहीं गया जिसके पास ऐसी कोई डिवाइस है। देखो दोस्तों क्या होता है, इन गाड़ियों में जनरली आपको ऐसा बटन देखने को मिलेगा गाड़ी को शुरू करने के लिए, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे गाड़ी ये पता करने की कोशिश करेगी कि की गाड़ी के अंदर ही है ना, जो डिवाइस थीफ कैरी कर रहा है की वाला ही तो काम कर रही है, वो की को खुद की जगह ऑथेंटिकेट कर देगी, वैसे ही जैसे डोर को अनलॉक करने पर किया था, और गाड़ी शुरू हो जाएगी। थोड़ी दूर जाके गाड़ी एरर जरूर देगी, की फोब नोट डिटेक्टेड, लेकिन इस एरर का कोई फायदा नहीं दोस्तों, गाड़ी फिर भी चलती रहेगी, गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक चोर उसे खुद नहीं रोकेगा। जब स्टार्टिंग में रिसर्चर्स ने ऐसे अटैक्स को डेमोन्स्ट्रेट किया था तो कार कंपनीज का कहना था कि इनके लिए बहुत महंगे डिवाइसेज चाहिए होंगे, लेकिन टाइम के साथ थोड़ा और रिसर्च होगा और बहुत ही चीप डिवाइसेज भी अब इस काम को कर पा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, जैसे जैसे और ज़्यादा रिसर्च होता जा रहा है मार्केट में और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं और पहले से बेटर होते जा रहे हैं, मतलब ये जो अटैक्स है टाइम के साथ और ज़्यादा बेटर होता जा रहा है। अगर आपके पास स्मार्ट की है तो बेटर रहेगा आप RFID सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए कोई RFID ब्लॉकिंग बैग या एल्यूमिनियम फॉयल या कोई वॉलेट या कुछ भी इस टाइप का यूज़ कर लें। इस अटैक को दोस्तों टू थीफ अटैक या फिर रिले अटैक या फिर एम्पलीफिकेशन अटैक के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बताओ दोस्तों रोलिंग कोड वाला अटैक ज़्यादा अच्छा था या ये वाला अटैक ज़्यादा अच्छा था? दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस अटैक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।